हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक प्रीव्यू में। तो आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे धमाकेदार एप्स के बारे में जिसका आप डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो क्या है वो ऐप, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। टोटल 4 एप्स मैंने बताए हुए हैं, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको चारों ऐप के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ, करते हैं पहले एप्लीकेशन के, तो वो है मिनी फॉर इंस्टाग्राम। ये इंस्टाग्राम रिलेटेड ऐप नहीं, ये इंस्टाग्राम ही है। तो इसमें बेसिकली आपको पूरा इंस्टाग्राम वाला ही इंटरफेस देखने को मिल जाता है, लेकिन ये एक मॉडर्न वर्जन की तरह लगता है। और खास बात ये है कि ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको अपना लॉगिन कर लेना होगा इंस्टाग्राम, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि एकदम सेम इंटरफेस उसमें है। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा इंटरफेस जो है एकदम रियल इंस्टाग्राम की तरह लग रहा है, लेकिन ये एक मॉडर्न वर्जन है। इसमें आपको स्टोरीज के सेक्शन मिल जाते हैं, मैसेज सेक्शन मिल जाते हैं। इसमें खास बात ये है कि ये आपका जो आपके फीड्स में जो रहते हैं वीडियोस, वो आप पॉज कर सकते हैं, मतलब इसमें पॉज रहता है, आप खुद चाहे तो प्ले कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड डेटा लेके आपका डायरेक्ट प्ले होना शुरू नहीं होता, तो इसकी वजह से आप अपना डेटा भी बचा सकते हैं। स्टोरीज में भी सेम फीचर आता है, लेकिन आप इसमें स्टोरीज को आप फुल स्क्रीन कर सकते हो या फिर आप इसे शेयर भी कर सकते हो। और बात करते हैं इसके कस्टमाइजेशन की, तो इसमें कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप अगर सेटिंग में जाते हो, ऐप सेटिंग में जाते हो और उसमें चेक करते हो, तो ऐप में बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। हाँ, इसमें प्रीमियम कस्टमाइजेशन भी है एंड एड्स भी आते हैं, जिसको आप रिमूव करने के लिए प्रीमियम मेंबरशिप्स खरीद सकते हो। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर वहां से चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अरे नहीं यार, मैं पापा से बात करता, किसी और से बात नहीं कर रहा था। अरे समझा करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, बस और कुछ ठीक। तो अगर आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो ये ऐप आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको ये ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का नाम है कॉल लॉग एडिटर, सबसे टॉप पे मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन पे। तो इसमें बेसिकली करना क्या होगा, आप इसको ओपन कीजिए और जितने भी परमिशंस मांगते हैं उसे अलाउ कर दीजिए। और अभी आप अपना मेन जो फोन लॉग है, कॉल लॉग है, उसे ओपन करके वहां नंबर देख लीजिए, ठीक है। अब आप इस ऐप को ओपन कीजिए, इसमें जो कॉल लॉग है उसको ओपन कीजिए। तो अगर आप कॉल लॉग ओपन करते तो और दोनों को मैच करके देखिए, देखिए दोनों में एकदम सेम है, दोनों में सेम है, दोनों में नंबर सेम है, दोनों में टाइम सेम है, ठीक है। तो आप अब इसको एडिट कर सकते हो। तो कैसे करना है, तो आप सिंपली उस नंबर पर टैप कीजिए जिसको आपको बदलना है, तो उस पर टैप करके उस नंबर को इरेज कर दीजिए और उसमें वो नंबर डालिए जिसको आपको, वहाँ पे कोई भी नंबर अभी डाल दीजिए, आपको जैसा काम पड़े वैसा नंबर वहाँ पे पुट कर दीजिएगा और अब वहाँ पे सेव कर दीजिए। जैसे ही वहाँ सेव होता है और आप बैक करके आप अपने ऑफिशियल कॉल लॉग पे जाके चेक कीजिए, वहाँ पे भी नंबर चेंज हो चुका है, जो आपने वहाँ डाला नंबर यहाँ पे आके सेव हो गया। तो आप अब चेक कर सकते हैं दोनों में कि वहाँ पे नंबर चेंज हो चुका है, ना आपका डेट बदला है ना आपका टाइम बदला है, आपका सब कुछ सेम है। तो इसकी मदद से आप अपना कॉल लॉग चेंज कर सकते हैं। हाँ, और इसमें एक और फीचर है कि आप अपने कॉल हिस्ट्री को बैकअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आराम से आप बैकअप ले लीजिए, अगर आप अपना फोन रीसेट वगैरह मारते हो तो आप इससे फिर से आप अपना ले सकते हो, ड्राइव में सेव कर दीजिए और वापस से अपना इंस्टॉल कर दीजिए, अपने फोन में वापस डेटा को ले लीजिए। तो इस ऐप की मदद से आप अपने कॉल लॉक्स को चेंज कर सकते हो, ये बेसिकली इस टाइप से काम करता है। तो थर्ड ऐप की बात करें तो वो बेसिकली एक ऐप लॉक है जिसका नाम है अल्ट्रा लॉक। तो आप इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, तो इसमें आपका पासवर्ड जो है पर मिनट चेंज होता रहेगा। हाँ, पर मिनट चेंज होता रहेगा। तो कैसे सेट करना है, तो इसे अपने फोन में प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए सिंपली जाके। उसके बाद आप इसमें सेटिंग में जाइए, वहाँ पे परमिशन जितने मांगेंगे अलाउ कर दीजिए। आप फोन सेटिंग में जाके इसमें जितने भी परमिशन मांग रहे सारे को अलाउ करने के बाद आप अपने उस ऐप के सेटिंग में जाइए और वहाँ पे आप ऐप के पैटर्न को चेंज कर सकते हो। मींस आपको किस टाइप का लॉक चाहिए वहाँ पे आप चूज कर सकते हो, आपको मंथ डेट ईयर चाहिए या फिर देखिए वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ गए, जैसे मिनट और बैटरी परसेंटेज है या फिर मिनट और मंथ है या ऐसे ही बहुत सारे तरह के वहाँ पे ऐप्स के पासवर्ड आपको लगाने के मिल जाएंगे, जिसका यूज़ करके आप
हर मिनट या हर सेकंड आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, मतलब सेकंड में तो नहीं, मतलब हर मिनट और हर आवर, पर आवर या पर मिनट आपका पासवर्ड चेंज होता रहेगा। आपको ही सिर्फ ये बात पता रह पाएगी और दूसरे को पता चलने से रही, इसलिए ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आप अपना फ़ोन बाहर यूज़ करते हो, अपने फ्रेंड्स के आसपास यूज़ करते हो और उन्हें ये पासवर्ड्स पता ना चल पाए। बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट ऐप की, तो वो है सुपर बैकअप। तो ये बेसिकली एक बैकअप ऐप ही है, लेकिन इसमें खासियत ये है कि आप इसमें SMS का बैकअप भी ले सकते हो। हाँ सही सुना, SMS का बैकअप। जैसा कि आपको पता है कि बैकअप लेते वक्त आप सारे ऐप्स का बैकअप ले लेते हो, बहुत सारा चीज का बैकअप ले सकते हो, फाइल्स का ले सकते हो, लेकिन ये जो SMS रहता है उसका बैकअप लेना बहुत मुश्किल होता है, मीन्स बहुत कम ही जगह पे इसका बैकअप लिया जा सकता है। लेकिन इस ऐप के मदद से आप बैकअप जो होता है वो डायरेक्ट अपने ड्राइव में ले सकते हो, ड्राइव से डायरेक्ट अपने फोन में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको करना क्या होगा, बेसिकली आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए और इससे परमिशन जो मांग रहे हुए अलाउ कर दीजिए। जैसा कि आप इंटरफेस देख सकते हो, वहाँ SMS का सेक्शन है, उसको क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए। आप इसमें सेलेक्टेड मैसेजेस को भी आप बैकअप ले सकते हैं या फिर बैकअप सारा ले सकते हो। जैसा कि यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, बैकअप है, बैकअप ऑल है, या फिर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फिर आप जाके ड्राइव में सेव, अगर बैकअप ले लिए हैं तो उसके नीचे ऑप्शन आता है माई ड्राइव, सेव टू माई ड्राइव, तो उस पर क्लिक करके ड्राइव में भी सेव कर सकते हो। और बाद में अगर आप अपना फ़ोन रीसेट मारते हो या फिर फ़ोन चेंज करते हो तो कोई टेंशन नहीं आने वाला है। आप आराम से ड्राइव, मतलब जीमेल लॉगिन कीजिए, ड्राइव से आप अपना डेटा निकाल लीजिए SMS डेटा को, और जैसे ही एक्सट्रैक्ट करते हैं डायरेक्ट फ़ोन में सारा मैसेज आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है अगर आप अपना फ़ोन फॉर्मेट मारते हो या फिर अपना फ़ोन चेंज करते हो। तो इन चारों ऐप्स का आप अपना डे टू डे लाइफ में आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर यूज़ ना भी हो तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो, या फिर इनके बारे में नॉलेज हो तो आप अपने फ्यूचर में भी आराम से इन ऐप्स का अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अपने तरफ से एक लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो वीडियो तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी इन ऐप्स के बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।